बोटिंग भी नहीं कर पाए। अगर आप लोग थोड़ा और प्यार सपोर्ट करते तो हम घूम पाते बोटिंग में, लेकिन मोनेटाइज गाइस अभी चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा, जिससे अर्निंग नहीं होती तो इसलिए बोटिंग नहीं कर पाए। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में गाइज। आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइज माल रोड में। माल रोड में अभी हम लोग घूम रहे हैं और 51वां ब्लॉग शूट हो रहा है माल रोड में। नैनीताल में ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है, अभी माल रोड में घूम रहे हैं हम लोग। तो आज आपको थोड़ा नैनीताल घुमाएंगे गाइज, आपको नैनीताल में दिखाएंगे अच्छी अच्छी सी लोकेशन लेक शेक के सिनेमेटिक से। तो बने रहिए ब्लॉग में। माल रोड में घूमने का आज कोई खास कारण तो था नहीं, आज हम लोग को बुक लेनी थी अपने बोर्ड एग्जाम के पढ़ने के लिए, इसलिए हम माल रोड अभी घूम रहे हैं। माल रोड में ब्लॉग बना रहे हैं और फिर बुक लेके फिर जाएंगे आराम से घर को। अभी आप लोग देख सकते हो माल रोड में गाइस, अभी हम लोग ऊपर वाली रोड से आ गए नीचे वाली रोड में, यहाँ पे शोर नहीं हो रहा बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाली रोड में इतना ज़्यादा शोर होता है, यहाँ पे आवाज़ नहीं आती ब्लॉगिंग की। यहाँ से दिख रही है मस्त सी नैना लेक, यहाँ पे बोट लगी है काफ़ी। दिख रही थी नैना लेक, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी होगी, तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा था और यहाँ पे से बोटिंग का भी एरिया है। सो अब यहाँ से चलते हैं, आपने देख ली होगी अच्छे से, तो अब यहाँ से चलते हुए आगे लोकेशन मिलती है वहाँ से आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग घूम रहे हैं माल रोड के नीचे वाले रास्ते पे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है, यहाँ बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, ना गाड़ियों का ना बाइकों का। माल रोड में घूमने का कुछ खास कारण तो था नहीं, तो हम उसके लिए लेने आए थे बुक्स, जिससे बोर्ड एग्जाम में तैयारी करके अच्छे से पास होंगे। तो हमने सोचा बुक तो बाद में लेंगे, पहले थोड़ा घूम लेते हैं और आपको ब्लॉग बना के दे देते हैं बढ़िया सा, क्योंकि ब्लॉग तो गाइस लेट ही आने वाले हैं, बहुत लेट लेट आएंगे, क्योंकि गाइस पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई और ब्लॉगिंग को एक साथ करेंगे तो दोनों में लाते पड़ेगी, इसलिए एक चीज़ तो कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। ब्लॉग हफ्ते में देखता हूँ गाइस, हफ्ते में एक होगा, डेली तो नहीं हो पाएगा। तो गाइस माल रोड से घूमते हुए हम लोग आ गए हैं तलीताल पे, पहुँच गए अभी हम लोग, और तलीताल पे इतनी ज़्यादा शोर हो रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, जनता है, गाड़ी वाड़ी बहुत शोर हो रहा है गाइस, तो आप थोड़ा देख लेना। मौसम तो हमेशा की तरह बिगड़ा ही है आज भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जो नैनीताल का एक फेमस सा एरिया जहाँ पे है आई लव नैनीताल, वहाँ पे आपको दिखाते हैं, वहाँ पे फोटो वोटो के साथ थंबनेल के लिए बढ़िया थी, और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम लोग हैं नैनीताल का, जहाँ पे दिख रहा है नैनीताल का एक बड़ा सा लोगो है आई लव नैनीताल, बहुत ही फेमस सी जगह है गाइस, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं, दूसरे लोग जो बाहर से आते हैं यहाँ पर फोटो खिंचाते हैं, तो आपको दिखाते हैं बढ़िया से, पीछे ही है। सो अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने तरीके से लाऊं। हम लोग बैठे गाइस नैनीताल के आई लव जो नैनीताल लिखा उसके सामने पे बैठे हैं, और अभी आपने फ्यूचर पहले देख लिया होगा आई लव नैनीताल, और यहाँ पे इतनी मस्त सी हल्की हल्की सी धूप लगी है, तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से उठने का। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जाएंगे बुक लेने, फिर पढ़ाई करेंगे और मेरिट निकालेंगे। ये है नैनीताल और यहाँ पे फंसी है एक पतंग, और इसका ए निकल रखा है, इसका ए उल्टा लग रखा सही है, और ये वाला ए उल्टा लग रखा है, ये है ए उल्टा लग रखा है और इसका ए निकल रखा है। हम लोग हैं नैनीताल आई लव नैनीताल, जहाँ पे लिख रखा है गाइस, अभी थोड़ा जोश आ गया तो यहाँ पे आ गया हूँ ब्लॉगिंग करने, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे लिख रखा आई लव नैनीताल, इतना बड़ा सा ये है फेवरेट लोकेशन नैनीताल की बढ़िया सी, और उसके सामने है लेक, लेक दिखाता हूँ आपको बढ़िया से, यहाँ पे देख सकते हो गाइस लेक दिख रही है यहाँ से, यहाँ पे है मछलियाँ और बढ़िया सा दिख रहा है गाइस यहाँ से एरिया, और ये है नैनीताल का बस स्टैंड, और धूप धूप भी आ रही है गाइस, बढ़िया सा मौसम हो रहा है, आप लोग देख सकते हो कितना मज़ा आ रहा है हमें, आप भी आओ नैनीताल और एंजॉय करो, और यहाँ पे आके फोटो खिंचाओ और मुझे मेंशन करो। तो आई लव नैनीताल वाले लोकेशन से भी हम आ चुके हैं गाइस, और आपने देख लिया होगा अच्छे तरीके से, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस मल्लीताल को। नहीं तो ये आज शाम को आएगा 8 बजे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो बोटिंग भी नहीं कर पाए, अगर आप लोग थोड़ा और प्यार सपोर्ट करते तो हम घूम पाते बोटिंग में, लेकिन मोनेटाइज गाइस अभी चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा, जिससे अर्निंग नहीं होती तो इसलिए बोटिंग नहीं कर पाए। तो गाइस ऐसा था कि इनने मुझे देखा नहीं सही से, अगर मैंने मास्क उतार दिया तो मुझे पहचान लेते, तो इन लोगों को 10 राउंड भी मरा देते, लेकिन उन्होंने मुझे देखा नहीं, पहचाना नहीं।
तो गाइस आप लोग सोच सकते हो अगर चैनल मोनेटाइजेशन होता तो अभी अर्निंग से हम मस्त तरीके से घूम सकते हो। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट और दिखाओ, चैनल फटाफट मोनेटाइजेशन कराओ, वॉच टाइम तो रह गया गाइस, अब फटाफट आप लोग उसको पूरा करा दो। फोन है गाइस, तो बच्चे बच्चे का फोन लो और उसमें से हमें वोटिंग नहीं कर पाए गाइस, सोचो आप गाइस जल्दी इसी बात पे कर दो, हम आपको पूरा माल लोड उठवाएंगे गाइस बढ़िया से। तो गाइस अभी हम लोग घूम रहे हैं, अभी हम लोग घूम रहे हैं नैनीताल के माल रोड में और आपको भी दिखाएंगे। और माल रोड में आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी से धूप आ रही है और इस साइड पे है नैना लेक, आप दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। और माल रोड के निचाले रास्ते में हम लोग घूम रहे हैं, ऊपर आ रहा रास्ता माल रोड नैनीताल को आने का है, निचाला वापस घर को जाने का। आज माल रोड घूम रहे हैं, आपको भी घुमाएंगे और आपको नैनीताल के बड़े बड़े ऐसी दिखाएंगे जगह। चैनल मोनेटाइजेशन कराने में थोड़ी मदद करिए गाइस, जिसका जैसे हम अर्निंग करेंगे और आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे। तो अभी मलिताल तो पहुँचे नहीं है, लेकिन रास्ते में थोड़ा सा एक अच्छा सा वो दिखा, जो भी बोलते हैं मतलब अच्छी सी लोकेशन दिखी, आप लोग पहचान जाना यहाँ पे लोकेशन। पीछे आंटी लोग घास वास ला रही है जंगल से, आपको दिखाता हूँ कितने मस्त से लग रहे हैं गाइस, इनके तो लाइक बनता है अभी तक। ये देखो ये लोग जंगल से बिच्छू तोड़ के ला रहे हैं सब्जी बनाना है, बताइए शिशुना साग लेनी छापरी धरवी छापरी धरवे छापरी धरवे वो लोग शिशुना साग लूड़ी देख सकते हो आप लोग। हमको यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए आए थे गाइस हम, तो गाइस मैं जा रहा हूँ ऊपर फोटो खिंचाने और ब्लॉग भी बनते रहेगा, हमने फोन में इतनी बढ़िया सेटिंग है कि ब्लॉग भी बनता है और फोटो खींचते हैं, तो आप लोग देखो चलो भाई खींच। सो फोटो भी खिंचा लिया इस लोकेशन पे, आप लोग देख आप लोगों ने जो देख ली होगी। और यहाँ पे काफी बतख है और जिन पानी में रहते हैं आज पता नहीं ठंडे के कारण या उज्जैन आ रही है, इसलिए यहाँ पे सब आराम से कोई सोए हैं कोई बैठे हैं, तो आपको वो भी दिखाते हैं बतख। यहाँ पे देखो गाइस काफी सारे बतख बैठे हैं, इनमें से किसी को उज्जैन नहीं है कि उठे तैरे, मतलब देखो फोटो खिंचाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो ये थी वो लोकेशन गाइस जहाँ पे हमने फोटो वोटो खिंचाई, आपको यहाँ से थोड़ी लेक दिखाई दिखाई या नहीं दिखाई वो याद नहीं आया, नहीं दिखाई तो अभी दिखा दो। तो देखो गाइस पीछे लेक यहाँ से बढ़िया से दिख रही है, लेक दिखाई आपको, लोकेशन दिखाई, अपना फोटो का तरीका दिखाया, आपको दो तीन पोज बताए और बतख दिखाए। तो ये था आगे यहाँ का मतलब, अब चलते हैं मलिताल और मलिताल पहुँचते हैं। आप बोर नहीं होने गाइस बिल्कुल भी, एक मिनट रुक, आप बोर नहीं होने गाइस बिल्कुल भी, इसलिए पहले मलिताल पहुँचते फिर मलिताल में करते हैं ब्लॉग की कंटिन्यू। तो अभी पहुँच गए मलिताल, मलिताल से मलिताल में पहुँच गए रिक्शा स्टेशन के पास और आप लोग को दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ है गाइस आज, देखो यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ मैंने आज बहुत टाइम बाद देखी नैनीताल में। तो अभी पहुंच गए हैं जहाँ से लेक दिखती है मस्त सी, किसी लोकेशन पे जहाँ से लेक दिखती है बढ़िया सी, यहाँ से देखो गाइस कितने प्यारा लग रही है लेक और यहाँ पे मछलियाँ भी हैं। आज आप लोग देख सकते हो नैनीताल में कितनी ज़्यादा भीड़ है गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ मैंने बहुत टाइम बाद देखी है नैनीताल में, चारों तरफ लोग ही लोग। फिर हम फिर भी ब्लॉगिंग करते गाइस, ऐसे नहीं कि हम पब्लिक प्लेस में बोल नहीं पाते, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब जो को एक समान बोलते हैं, हम बहुत हार्ड बंदे। यहाँ पे भी काफी लोग हैं, ऐसा नहीं है काफी लोगों को, मैं भी एक सुपरस्टार हूँ या सो घूमते फिरते अभी हम लोग आ चुके हैं नैनीताल के फील्ड में जो कि काफी बड़ा है, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी चारों ओर से बहुत ही बड़ा है। पूरा माल रोड घूम गए गाइस, आज हम माल रोड से गए थोड़ी देर नैनीताल यहाँ पे बैठे, आपको नैनीताल मतलब नैनीताल के वहाँ पे नहीं, नैनीताल का जो अच्छा सा पॉइंट है, पॉइंट कहो फेवरेट लोकेशन को जो कहो एक समान है। तो अभी नैनीताल के फील्ड में घूम रहे हैं हम लोग, अब हम लोग जा रहे हैं गाइस खाना खाने, इतना लंबा चल के आए बोट में नहीं बैठ पाए क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखी होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस बिल्लू भाई के मस्त पराठे खाने, एक ब्लॉग में दिखाया था बस, आज दूसरा ब्लॉग बनेगा वहीं का आज आपको दिखाएंगे। अब सीधे बिल्लू भाई के दुकान के अंदर पहुंच के मिलते हैं, अभी दुकान के अंदर आ गए गाइस हम लोग और पीछे बन रहे हैं पराठे, यहाँ पे बैठे भरत दोनों बैठे हैं, तो पराठे आएंगे फिर आपको पराठे दिखाएंगे, पराठे खाएंगे फिर तल लेंगे घर को, आपको पहले पराठे भी दिखाएंगे, आपको भी खाना जरूरी है गाइस। तो अब आ गए अपना थाली, एक थाली अब खाते हैं पराठा, दाल होती है और होता है रायता, बड़ा सा पराठा, तो खाते हैं पराठा फिर पराठा खा के मिलते हैं आपसे। ये था एक बाइक जो हमने अभी लिया, खाते हैं थोड़ा
खाता है, पिक्चर देखता है, फिर मिलता है आपसे थोड़ी देर बाद गाइस। सो अभी आ गए हैं मार्केट से पूरा सामान हमान लेके, बुक वुक जो तो लानी थी वो सब ला गए और पोस्ट ऑफिस पे पहुंच गए और यहाँ पे बैठेंगे और क्या करते हैं आपको बताता हूँ। तो अब एक और एक खाएंगे आइसक्रीम। नो पेस्ट प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अभी ऐसे ही खा रहे हैं। मार्केट का काम भी हो गया, मल्ली भी घूमे, तल्ली भी घूमे, सब जगह घूमे, मॉल रोड घूमे। सो ये था गाइस आज का कुछ ब्लॉग, जर्मनी फ्रांस से 51 में ब्लॉग हुआ गाइस शूट मेरा। और आप पता नहीं अगला ब्लॉग कब बनेगा, जब भी बनेगा आप देख लेना। सो इसी के साथ गाइस आज का ब्लॉग एंड होता है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी नई नई ब्लॉग देखने के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।